एमटीवी सच साहस सरोकार। यजदान बिल्डिंग के खिलाफ एक्शन जारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यजदान बिल्डर की बिल्डिंग पर एलडीए का एक्शन, बिल्डिंग गिराने का काम शुरू हो गया है, बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। बिल्डिंग के बाहर बड़ी संख्या में फोर्स तैनात की गई है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने शुरू किया बिल्डिंग गिराने का काम, बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। यजदान बिल्डर के खिलाफ एक्शन जारी, यजदान बिल्डर की बिल्डिंग पर एलडीए का एक्शन, बिल्डिंग गिराने का काम शुरू हुआ। बिल्डिंग के बाहर बड़ी संख्या में फोर्स तैनात की गई है, बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने शुरू किया बिल्डिंग गिराने का काम, बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। यजदान बिल्डर के खिलाफ एक्शन जारी है, बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। यजदान बिल्डर की बिल्डिंग पर एलडीए का एक्शन, बिल्डिंग गिराने का काम शुरू हो चुका है, बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। एलडीए का एक्शन लगातार जारी है, बिल्डिंग के बाहर बड़ी संख्या में फोर्स तैनात की गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सागर हमसे जुड़ेंगे। सागर, लगातार बिल्डिंग पर कार्रवाई जारी है, अब यजदान बिल्डिंग को गिराया जा रहा है। देखिए मयूरी, आपको बता दूं कि जो निवाना अग्निकांड हुआ था उसके बाद से ये और तमाम जो विभाग है वो सतर्क हो गए हैं। उन्होंने एक लिस्ट बनाई थी और शुरुआती दौर में सौ से ज्यादा जो भवन है, होटल है, उनको ध्वस्तकरण के लिए यहाँ पे सील किया गया था। आज आपकी बात, आपको बता दूं, आज की बात है, यहाँ पे बालू अड्डे में लंचित हूँ, अवैध निर्माण करता है। यहाँ पर यजदान बिल्डर्स हैं जो उन्होंने अवैध तरीके से जो निर्माण कराया था और कई मंजिला इमारत खड़ी करी है, तकरीबन 8 से 10 मंजिला इमारत पर मंजिला इमारत भी दिखाए जिसके तरफ यहाँ पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होती है। पुलिस बल यहाँ पुलिस फोर्स मौजूद है यहाँ पर और पुलिस है वहाँ पर मौजूद है और आप देख सकते हैं और इसमें कार्रवाई खराब चल रही है। मकान बिल्डिंग को किस तरह से तोड़ा जा रहा है, सुबह तकरीबन जो है 10 बजे पुलिस की कार्रवाई जारी है और यहाँ पर एलडी की बहुत बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है क्योंकि देखिए कुल मिला के इतनी बड़ी बिल्डिंग को अभी तक एलडी विभाग के द्वारा वर्गीकरण या फिर किराया नहीं किया था, लेकिन ये कार्रवाई मीडिया का हुजूम लगा है, मीडिया भी है और तमाम जो स्थानीय लोग वो भी हैं और साथ ही पुलिस बल भी मौजूद है यहाँ पर और इस तरह का देख पा रहे हैं यहाँ पर पुलिस बल साथ साथ जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं, लगातार भीड़ यहाँ पे इकट्ठा हो रही है क्योंकि ये जो बिल्डिंग है, यजदान बिल्डर जो बिल्डिंग है, ये पूरी तरह से अवैध मानी जा रही है। 2019 में इसे एलडीए ने सीज किया था, उसके बाद ही यहाँ पर लगातार कहीं ना कहीं एलडीए के अधिकारी हो गए या कर्मचारी हो गए, उसकी मिली भगत से यहाँ पर निर्माण का जारी था। अब ये बिल्डिंग जो है पूरी तरह से ध्वस्त हो जा रही है, पूरा लग रहा है तकरीबन 10 बजे बड़ी कार्रवाई संपन्न हो रही है और सभी मन बात ये भी होती है कि एलडीए कहीं ना कहीं की अगर बात करने का लापरवाही अगर बरतता है तो सावधानियां भी बरतना, क्योंकि उससे पहले भी कई बार देखा गया है कि एनडीए द्वारा जो है सीज किए गए जो तमाम होटल है उसको फिर से बनाया गया है। इससे पहले भी हमने चार बार गई उसकी है वहाँ की खबर दिखाई थी, वहाँ भी लोगों को जागरूक किया था, वहाँ भी उन्हें सिखाया था, लेकिन उसके बाद होटल के बाद देवाना अपनी साथ हो गया देवाना की साथ के बाद इसके बाद होटलों में अवैध होटलों में कार्रवाई की बात हुई कि इस तरह से तमाम लखनऊ में तमाम जगह है वहाँ पर बिल्डिंगे हैं, अवैध होटल हैं, अवैध मकान में अवैध इमारत है, उनको भी किस तरह से एनडीआरटी की कार्रवाई करता है और किस तरह से ध्वस्तीकरण करता है। सागर, कहा जानकारी के मुताबिक कि जब लोगों ने इसमें फ्लैट्स खरीदा था तो ये रेरा से अप्रूव्ड था,
तो अब इसमें कई कमियां बताई जा रही हैं, अवैध बताया जा रहा है, कई चीजें जो सामने निकल कर आ रही हैं, जब इतनी बातें थी तो ये अप्रूव्ड कैसे हो गया रेरा से? देखिए रेरा की बात करूँ तो रियल एस्टेट रेगुलर एक्ट होता है, वहाँ पर जो है हर बिल्डर को हर रियल एस्टेट एजेंसी को वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना होता है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए अगर आप की बात बताऊँ या आपके सवाल का जवाब दूँ तो सबसे बड़ी बात ये भी सवाल उठता है कि जब रेरा से अप्रूव हुआ है तो कहीं ना कहीं देखिए वहाँ के जो कर्मचारी हैं अधिकारी वहाँ की मिली भगत के सामने आते दरदाका पूछ रहे, क्योंकि बिना रेरा के अप्रूव होते हुए यहाँ पे बिल्डर नहीं बिल्डिंग बना सकते, कोई आवासीय फ्लैट नहीं बना सकते। बिल्डर की जो मिली भगत है जो वहाँ के अधिकारी ने कर्मचारी वहाँ की भगत की बहुत बड़ी सामने जाकर होती, लेकिन ये अब पूरा मामला कुल मिला के एलजी के हाथ में था, एलजी ने इस मामले को पूरे संज्ञान में लिया और जो दुखी है इंद्र मणिकर पार्टी बहुत तेज तरह अधिकारी किए जाते हैं, वो नगर निगम के आयुक्त हुआ करते थे, नगर आयुक्त हुआ करते थे, वो अपने आयुक्त के पद पर तो बहुत अच्छे काम से बहुत सराहनीय काम से बहुत लोगों के लिए काम किए। लेकिन अब सबसे बड़ी बात ये भी है कि उसके बाद मामला सचिव से बनता है और जो रेरा के अधिकारी सवाल खड़ा होता है किसी तरह का हाँ रेरा का मामला इतना समय सागर ऐसी कई बिल्डिंगें थी जिस पर कार्रवाई की गई, अभी इस बिल्डिंग पर कार्रवाई की जा रही है, मानक जब पूरे नहीं होते तो ये बिल्डिंग बन कैसी जाती है? देखिए कुल मिला के मैं भी आपको बता दूं कि मानक तो पूरे होना वो समय की बात होती है, मानक पूरे नहीं होता है तो बिल्डिंग को बनाया अवैध माना जाता है। सागर आपकी आवाज नहीं आ रही है, बता दें यजदान बिल्डिंग को गिराया जा रहा है, यजदान बिल्डिंग पर एलडीए का एक्शन जारी है, यजदान बिल्डिंग पर लगातार एक्शन जारी है। यजदान बिल्डर के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है, यजदान बिल्डर की बिल्डिंग पर एलडीए का एक्शन। एक बार फिर से रुक करेंगे संवाददाता सागर का, सागर अगर मानक पूरे नहीं होते हैं फिर भी कैसे बिल्डिंगें बन जाती हैं? आपको बता दूं कि मानक पूरे नहीं होते हैं, अगर निर्माण करना है कोई भी अवैध निर्माण करना हो तो फिर मिला के अगर आपको बता दूं कि जो बिल्डर है यहाँ पे जो इन्होंने निर्माण किया था कुल मिला के पूरी तरह से अवैध ठहराया गया है, एनडीए ने भी इसे पूरी तरह से अवैध घोषित किया था और आज एनडीए एक दोषीकरण की कार्रवाई पूरी तरह से कर रहा है। तो कुल मिला के देखा जाए तो बहुत बड़ी ये घटना है, बहुत बड़ी ये एनडीए की बड़ी बहुत बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है, क्योंकि इससे पहले लखनऊ के तमाम जो जगह है इमारत हो गई चाहे होटल हो गए चाहे कोई भी जगह हो गई किसी भी जगह पे वहाँ पे अवैध निर्माण को लेकर एनडीए ने कार्रवाई नहीं की है और आज एनडीए तकरीबन आपको बता दूँ की 8-10 मंजिला ये इमारत है और यहाँ के जो बिल्डर है 2019 में इसे एनडीए द्वारा सीज किया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी लगातार यहाँ पे फ्लैट की केसेज आ रहे थे और उसके बाद भी यहाँ पर लगातार निर्माण किया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं देखिए इसमें सबसे बड़ी बात कि सरकारी जो महकमा है एनडीए है उसकी तो मिले भगत सामने आती है और उसके जो कर्मचारी बात है कि इसके बाद भी सागर इस बिल्डिंग में जो लोग रह रहे थे और जिन्होंने अपनी जीवन की जमा पूंजी को खरीदा था इस बिल्डिंग को, तो अभी आगे का क्या कुछ इन्हें मुआवजा दिया जाएगा, क्या कुछ आगे का कार्रवाई की जाएगी? और सबसे बड़ी 40 परिवार है उन्होंने खरीद दिया, उनका क्या मिला के देखा जाए अगर सरकार अपने कब्जे में ले ले बना के बात ये भी होती है कि जो 35 से 40 लोगों ने जो मकान खरीदे को भगा दिया था अब उनका क्या होगा, उनके लिए एनडीए क्या करती है, जो बिल्डर की अवैध निर्माण की उनके लिए क्या कार्रवाई की जाती है और जो मकान मैं बता रहा हूं कि मैं कहां से हूं मैं कहां से हूं सबसे बड़ी
जी धन्यवाद सागर तमाम जानकारियों के लिए। अब तक के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ बाल पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच।